नमस्कार, आइए इस हाथ पर प्रकाश डाल लेते हैं। उससे पहले देते हैं आपको एक जरूरी सूचना। जो लोग हस्तरेखा सीखना चाहते हैं, उनके लिए हमने एक नया चैनल शुरू किया है। चैनल का नाम है सरस्वती पामिस्ट्री। चैनल का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप उसको सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कर सकते हैं। शुरुआत करते हैं इस हस्तरेखा के बारे में बताने में। एक लंबा और पतला हाथ, जिसको अधिकतर कलात्मक रवैये का हाथ कहा गया है, यानी हाथ का ये वाला पोर्शन देखें और ऊपर का पोर्शन देखें तो लगभग बराबर है, यानी उंगलियों की लंबाई भी अच्छी खासी है। बात कर लेते हैं इनकी कनिष्ठा उंगली के बारे में। कनिष्ठा उंगली सूर्य के प्रथम पर्व तक पहुंच चुकी है लगभग लगभग। इस प्रकार की अगर उंगली किसी व्यक्ति विशेष के पास हो, क्योंकि बुध पर्वत से निकली हुई ये रेखा है, तो ये व्यक्ति के लिए बुद्धि के हिसाब से, लॉजिक के हिसाब से, तर्क के हिसाब से अच्छी मानी गई है। उंगली की लंबाई भी अच्छी है, लेकिन उंगली के ऊपर ये इस प्रकार की ये जो रेखाएं हैं, ये तर्क संगत रेखाएं हैं। तर्क संगत के साथ साथ बुद्धि का कुबुद्धि में बदल जाना भी इन चीज़ों को दर्शाता है, यानी व्यक्ति के निर्णय ऐसा नहीं है कि सदैव उसके निर्णय ही ठीक होंगे। कोई दूसरा व्यक्ति जो आपको सलाह दे रहा है, उसके निर्णय भी ठीक हो सकते हैं। थोड़ा उस बात पर ध्यान दीजिएगा, क्योंकि ऐसे लोग अधिकतर यही सोचते हैं कि तुम्हारे द्वारा लिए गए डिसीजन या सलाह ज़्यादा बेटर रहेंगी। बात कर लेते हैं आपकी सूर्य की उंगली की। सूर्य की उंगली पूर्ण तरीके से खड़ी हुई, और यहाँ भी एक इस प्रकार के जो ये कट बने हुए हैं, ये देखिए, उंगली की लंबाई बहुत अच्छी है, उंगली में धारण शक्ति भी अच्छी है। कहीं ना कहीं पिता पक्ष से व्यक्ति को सपोर्ट मिलेगा, व्यक्ति आत्मा से सुंदर होगा, लेकिन अपने से बड़े चाचा, ताऊ, पिता, इन पक्ष से इस व्यक्ति को वैचारिक मतभेद का सामना भी करना पड़ेगा। शनि की उंगली सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट उंगली होती है किसी भी हाथ में, क्योंकि यहाँ से कर्म प्रदर्शित होता है। और इतने सारे कटों का शनि की उंगली पर लगना, इसका मतलब है कहीं ना कहीं व्यक्ति स्वयं अपने प्रोफेशन में डाउनफॉल का स्वयं ही कारण है, क्योंकि इतनी सारी रेखाएं जब शनि पर्वत पर लग जाती हैं तो व्यक्ति अपने काम पर स्वयं लात मार लेता है। इसको कहते हैं कर्म की हानि, धन की हानि के एक संकेत कि व्यक्ति के जीवन में कई बार धन हानि, आर्थिक परेशानी और कर्म हानि के योग बनेंगे, जिसका वो स्वयं कारण होगा। सेम स्थिति आप बृहस्पति पर्वत पर भी देख सकते हैं। बृहस्पति पर्वत संतान का सुख देने वाला होता है, साथ ही साथ कोष का कारण होता है, पैसे का कारण होता है, विवेक का और समझदारी का, और उस पर भी लगा हुए इस प्रकार के ये कट फिर से एक खराब इंडिकेशन दे रहे हैं कि आपके अंदर बुद्धि के अलावा विवेक की कमी है। बुद्धि होना एक अलग चीज़ है, लेकिन अपने डिसीजंस को खरा उतारना एक अलग चीज़ है। इसलिए मैं आपकी चारों उंगली के बेस पर आपको ये कह सकता हूँ, जीवन में अपने आप डिसीजन लेना बंद करो, अन्य लोगों की सलाह लो। जितना ज़्यादा सलाह लोगे, उतना ज़्यादा जीवन में सक्सेसफुल हो जाओगे। ये आया बुध पर्वत। बुध पर्वत सम है, सम पर्वत अच्छा होता है, ग्रहण शक्ति अच्छी देता है। व्यक्ति के अंदर इतनी बुद्धि होती है कि वो किसी न किसी तौर पे अपना काम चला लेता है। और साथ में आ रही है रेखाएं, इनको विवाह रेखा भी बोलते हैं, लेकिन साथ ही साथ ये एक सपोर्टिव रेखाएं भी होती हैं कि व्यक्ति को की जो पत्नी है वो व्यक्ति को किसी न किसी प्रकार से सहयोग कर देती है। बुध पर्वत से बात करते हैं सूर्य रेखा। सूर्य रेखा पूर्ण रूप से निकल के एक सीधी रेखा गई है, इसमें किसी प्रकार का कोई शुभ चिन्ह नज़र नहीं आ रहा, यानी कि व्यक्ति आत्मिक तौर पे ठीक है, उसको घर परिवार के लोगों का सहयोग मिल जाएगा, साथ ही साथ उसको घर के लोगों से संबंध बनाने के लिए थोड़े से एफर्ट्स करने पड़ेंगे। शनि रेखा अपने आप में एक प्रबल रेखा है, और ऊपर तक जाती हुई दो दो तीन विभाग भागों में डिवाइड हो रही है। नीचे एक छोटा सा ट्रायंगल भी आया, जो कि जीवन में 55वें वर्ष के बाद अच्छी खासी तरक्की दिखाता है, आर्थिक रूप से मजबूती शो कर रहा है। बृहस्पति पर्वत पर इस प्रकार की ये रेखाएं, जो कि एक आयु रेखा से निकलकर एक रेखा यहाँ काट रही है। व्यक्ति के अंदर बुद्धि की कमी नहीं है, लेकिन इस्तेमाल कहाँ पर, किस समय पर किया जाए, उसके लिए थोड़ा सा सोचना पड़ेगा, क्योंकि इस प्रकार की स्थिति व्यक्ति को जीवन में भवन सुख साधन का सहयोग सुख तो दे देती है, लेकिन क्या व्यक्ति उसको स्वयं अपने बल पर खड़ा रख पाएगा या उसको बनाकर रखा पाएगा, इस चीज़ की थोड़ी सी कमियाँ देखी गई है।
हृदय रेखा हाथ में दोहरी रोप से चल रही है, दोहरी हृदय रेखा है ये देखिए, और उस पर काफ़ी काट छाट भी है। जब इस प्रकार की दोहरी हस्त रेखा हो और उस पर काफ़ी काट छाट हो तो ये अच्छा नहीं माना जाता, क्योंकि व्यक्ति एक तो स्पष्ट वक्ता बहुत ज़्यादा होता है, किसी को बात अच्छी लगे या बुरी लगे वो उसको बोल देता है, बाद में चाहे कुछ भी कंडीशन निकल के आए। साथ ही साथ ये स्थिति हृदयांगिनी यानी पत्नी के साथ भी वैचारिक मतभेद को शो करती है। ऐसी हृदय रेखा को ज़्यादा अच्छे अंक नहीं दिए जाते, क्योंकि ये हृदय रेखा बलवती है और इस पर बहुत सारी जगहों से कटान भी हैं। ये देखिए आप, जब इस तरीके से कटान हो के आए, क्योंकि आपकी ये रेखा लगभग मंगल पर्वत की तरफ से निकलती हुई और सूर्य पर्वत और शनि पर्वत के भी पार निकल चुकी है, यानी व्यक्ति जोश में होश खो के अपना नुकसान कर सकता है। लेकिन ये एक प्रकार का अच्छा इंडिकेशन है कि अगर व्यक्ति चाहे तो सरकार से संबंधित कामों में भी फायदा मिल सकता है। अगर व्यक्ति जीवन में सरकारी नौकरी के लिए कभी तैयारी करते तो संभवतः इनका सिलेक्शन वहाँ हो सकता था, लेकिन अभी की फिलहाल की स्थितियों के हिसाब से देखें तो हृदय रेखा मोटी है, बलवती है, डिसीजंस में प्रॉब्लम है। अगर डिसीजन ठीक नहीं रहे तो प्रॉब्लम आएंगी ही आएंगी। फिर से देखिए आप मंगल पर्वत, देखिए मंगल पर्वत पर कितनी ज़्यादा रेखाएं, ये देखिए कितनी ज़्यादा रेखाएं, और इनको सभी ये रेखाएं काट भी रही हैं। ये रेखाएं अति उत्साह झलकाती हैं, अति उत्साह, जोश, क्रोध, सब चीज़ झलकाती हैं। ये अपने आप में एक खराब कॉम्बिनेशन कहा गया है। यदि व्यक्ति इन चीज़ों से नहीं निकल पाया तो जीवन में कोई बड़ी तरक्की नहीं कर पाएगा, एक आम इंसान के तौर पर ही रह जाएगा। मंगल पर्वत से निकलने वाली ये रेखाएं जो कि सूर्य पर्वत पर भी जा रही हैं, बुध पर्वत तक भी जा रही हैं। ये देखिए मंगल पर्वत से एक रेखा निकली और जुड़ गई जाके आपके मस्तिष्क रेखा में। इसका फल मुझे अलग से कहना पड़ेगा। देखिए ये आपकी मस्तिष्क रेखा यहाँ तक गई है, उसके बाद ये मस्तिष्क रेखा टूट गई है, लेकिन इसको ओवरलॉप करती हुई एक और रेखा यहाँ से निकली है जो यहाँ गई है। अब इसको काट रही है एक मंगल रेखा। फिर से मंगल और बुद्धि रेखाओं का समन्वय है। आपके निर्णय के कारण ही आपको नुकसान है। आपने कोई ना कोई जल्दबाजी में निर्णय लिया है, क्योंकि आप ये भी कह रहे हैं कि मैं 2016 से जॉबलेस हूँ, मुझे जॉब नहीं है, 3 साल हो गए। तो वे कंडीशन इसी कारण से हो सकती है कि व्यक्ति स्वयं अपने ही कारण से उसने कोई ना कोई समस्या अपने लिए खड़ी कर ली है। फिर भी आपके हाथ को देखकर मुझे लगता है कि आपको कहीं ना कहीं से कोई धन की बहुत अच्छी सपोर्ट लगातार है। भले ही व्यक्ति काम ना कर रहा हो लेकिन पैसे की आवक उसके जीवन में है, क्योंकि आपके ये पर्वत अपने आप में बहुत अच्छे हैं, सम पर्वत हैं, फूले हुए पर्वत नहीं है, दबे हुए पर्वत नहीं है। तो व्यक्ति के ऊपर किसी ना किसी तौर पर स्थितियाँ आती रहेंगी। आपका एक सवाल भी है कि मेरी जॉब कब लगेगी। देखिए समय तो आपको अभी भी चल रहा है और दिसंबर तक भी बहुत अच्छा समय है। आने वाला जितना भी समय है वो आपके लिए कहीं ना कहीं अनुकूल है। आपको थोड़ा अपना मन बनाना पड़ेगा, प्रॉमिस तो काफ़ी पक्का है। ये देखिए एक भाग्य रेखा के बारे में बात करें, बिल्कुल जड़ से निकलती हुई ये भाग्य रेखा गई, ये 35वें वर्ष तक गई। उसके बाद एक चंद्र क्षेत्र से रेखा निकली और भाग्य स्थान पर यहाँ रूप में लेके आगे तक चलती चली गई। जब चंद्र पर्वत से कोई रेखा निकले तो ऐसा व्यक्ति यात्राओं से कमाता है, दूर स्थानों से कमाता है, भागा दौड़ी करके कमाता है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट, ट्रैवलिंग के कामों से, ट्रांसपोर्ट के कामों से इधर उधर जाकर काम करता है, यानी टिकाऊ रूप पे, स्थिर रूप पे काम नहीं कर पाता, उसको इधर उधर भगना पड़ता है। यही सेम कंडीशन आपके चंद्र क्षेत्र से फिर से एक रेखा निकली है जो कि केतु क्षेत्र से होती हुई आपकी आयु रेखा को टच कर रही है। ये मानसिक तनाव की रेखा कहलाती है, व्यसन की रेखा कहलाती है, किसी प्रकार के गलत खान पान की, गलत आदत की रेखा कहलाती है, जिसके कारण आप अपने जीवन में अपने आयु क्षेत्र और अपने भाग्य को, दोनों को खराब कर सकते हैं। चंद्र पर्वत पर जब इतनी सारी रेखाएं दिखाई दें जिनका सभी का संबंध कहीं ना कहीं, देखिए केतु क्षेत्र, ये रेखा यहाँ आ गई और यहाँ से निकलकर ये रेखा फिर से मस्तिष्क रेखा को पार कर रही है। चंद्रमा मन का कारक है और मस्तिष्क रेखा कहीं ना कहीं डिसीजंस के लिए जानी गई है। आप अपने निर्णयों को स्ट्रांग कीजिए, क्योंकि मानसिक तनाव के घेरे में आप धीरे धीरे आ रहे हैं। आपकी ये मस्तिष्क रेखा फिर से यहाँ जाके दो मुखी हुई है,
और जा रही है फिर से चंद्र क्षेत्र। चंद्र क्षेत्र कोई ज्यादा बेहतर क्षेत्र मुझे आपका दिखाई नहीं दिया। जब ऐसा चंद्र क्षेत्र हो तो व्यक्ति जीवन में मानसिकता को लेकर प्रॉब्लम में रहता है, अपने निर्णय को लेकर प्रॉब्लम में रहता है। ये देखिए, आपकी एक शुक्र क्षेत्र से रेखा निकली, आयु रेखा को टच कर गई, उसको यहाँ से एक मंगल रेखा ने काट दिया। अब आपकी हृदय रेखा भी बलवती है, शुक्र क्षेत्र पर भी कोई अच्छे इंडिकेशन नहीं मिले, तो वैवाहिक जीवन से संबंधित परेशानियां भी हैं। आपकी पत्नी आपको सहयोग करने वाली तो होगी, लेकिन ऐसा संभव दिखाई देता है कि कहीं ना कहीं आपके उनसे वैचारिक मतभेद पूर्ण रूप से साथ में दिख रहे हैं। थोड़ा संयम से काम लीजिए, सोचिए कि क्या मैं ये गलत कर रहा हूँ या सही कर रहा हूँ, क्योंकि फाइनली देखा जाए तो आपकी ही गलती निकलेगी। ये देखिए आपकी आयु रेखा, यहाँ से लेकर और यहाँ तक कितनी ज़्यादा बलवती रेखा है, यानी जीवन के 28वें वर्ष से लेकर लगभग लगभग 55वें वर्ष तक ये बलवती रेखा जीवन में संघर्ष करा रही है। हृदय रेखा पर इस तरीके की मोटाई ज़्यादा शुभ नहीं मानी जाती। साथ ही साथ मंगल क्षेत्र से इस प्रकार की रेखाओं का आना थोड़ा आयु को सपोर्ट करता है, व्यक्ति को थोड़ी हिम्मत दे के रखता है, लेकिन टेंशन्स का दौर इस हाथ में काफी है, क्योंकि जितनी भी रेखाएं एक दूसरे को काट रही हैं वो किसी सही मुकाम पर नहीं जा रही। मंगल क्षेत्र से निकलने वाली रेखाएं कोई मस्तिष्क रेखा को काट दिया, ना तो वो कोई बुध पर्वत तक पहुंची, ना सूर्य पर्वत तक पहुंची, ना शनि पर्वत तक पहुंची, ना बृहस्पति तक पहुंची, यानी पर्वतों से उनका रिजल्ट नहीं मिल रहा है। मंगल जोश का कारक है, क्या आपका जोश अगर आपके काम में लग जाए तो आप बहुत ऊंचाई पालोगे, आपका जोश आपके बुध पर्वत लॉजिक पे लग जाए तो बहुत ऊंचाई पालोगे। तो कहीं ना कहीं वो रेखाएं वहां तक नहीं सपोर्ट कर रही हैं, और रेखाओं का एक जाल सा बना हुआ लगातार दिखाई दे रहा है। अभी भी आपकी ये भाग्य रेखा जो यहाँ से चलकर यहाँ पहुंची है और ये इस तरीके से यहाँ गई है, अब आप देखेंगे ये क्षेत्र जो कहलाता है ये राहु क्षेत्र कहलाता है। यहाँ से रेखाएं निकली, यहाँ से रेखाएं निकली, ये रेखाएं निकली, ये देखिए इस प्रकार का जाल है, और ये रेखा एक भाग्य रेखा के तौर पर गई है। इसने यहाँ भी काटा, यहाँ भी काट दिया, फिर से इस रेखा ने यहाँ काट दिया। भाग्य रेखा बढ़ तो आगे रही है, लेकिन इसको इतनी सारी रेखाओं ने लगातार काटा है, और आपकी उम्र हो गई है 49 वर्ष। इसका मतलब सीधा सीधा है 35वें वर्ष से 55वें वर्ष के बीच में व्यक्ति के जीवन में संघर्ष का दौर है। समय समय पर काटती हुई रेखाएं ये बताती हैं कि आप देखिए ये 38वें वर्ष में कटान है, फिर ये 42वें वर्ष में कटान है, फिर दोबारा से आप जिस वर्तमान आयु में चल रहे हैं 49वें वर्ष से लेके यहाँ तक, ये सब कुछ ना कुछ प्रॉब्लम लगातार यहाँ शो हो रही है। और जब मंगल क्षेत्र से रेखा निकलकर राहु रेखा का रूप ले लें तो मैं व्यक्ति को सावधान करता हूँ कि उसको थोड़ा सा अपने काम के प्रति अध्ययन चिंतन करना चाहिए कि भाई कहीं ना कहीं मेरी गलती के कारण मुझको नुकसान तो नहीं हो रहा, क्योंकि मंगल रेखाएं यहाँ पर कोई ज़्यादा अच्छा रोल अदा नहीं कर रही हैं, प्रॉब्लम ज़्यादा दे रही है। एक रेखा के बारे में बात करूंगा मैं, देखिए एक रेखा ये शुक्र क्षेत्र से निकली है, यहाँ गई है, और ये रेखा देखिए बुध तो के क्षेत्र तक यहाँ गई है। शुक्र क्षेत्र से निकलने वाली रेखाएं जब जब जाती हैं तो स्त्रियों से सहयोग, स्त्रियों से फायदा, या आपकी वाइफ आपको किसी प्रकार का सहयोग करने लगे, कोई स्त्रियों के साथ मिलकर आप कोई बिजनेस कर लें, वो स्थितियाँ ये बहुत बेहतर है। उसके साथ साथ जॉब के भी आपको अच्छे चांस वर्तमान में चल रहे हैं, एज ए सेल्स मैनेजर आप चाहते थे। 2020 आपके लिए बहुत मुख्य साल है, इस 2020 में आपके साथ प्रोफेशनली काफ़ी अच्छे संकेत दिख रहे हैं। आप कह रहे हैं कि मेरा एनर्जी लेवल डाउन रहता है, देखिए मानसिक चिंताएं और मानसिक मस्तिष्क रेखा की जो स्थिति है वो इस हाथ के अंदर ठीक नहीं है, इन्हीं चिंताओं से आप घिरे रहते हैं जिसके कारण आपको लेवल आपका डाउन रहता है। तो उस लेवल को सुधारने के लिए कुछ उपाय मैं आपको बता दूंगा, वो कर लेना। लेकिन सर जहाँ तक मैं आपका हाथ देखा और आपने अपनी बर्थ डिटेल भी भेजी है, मुझे कहीं ना कहीं ये लगता है कि आप थोड़ा सा ठंडे दिमाग से सोचिए कि आपको जीवन में करना क्या है, क्योंकि आपकी रेखाएं आपके बहुत ज़्यादा प्रतिकूल हैं। सीधा हाथ व्यक्ति के भाग्य का विधाता होता है, उल्टे हाथ में भले ही आप सब कुछ ईश्वर से लेकर पैदा हुए हो, ब्रह्मा जी ने आपको दिया, लेकिन इस हाथ में जितना भी है वो सिर्फ आपके कर्मों का है, जिसको हम आपको पढ़ के बता रहे हैं। तो थोड़ा सा उस चीज़ पर ध्यान दीजिएगा। बच्चों की एजुकेशन कैसी रहेगी, देखिए बच्चों की एजुकेशन बच्चों के हाथ से पता लगेगी,
लेकिन आपकी उंगलियों पर पड़ने वाले ये चिन्ह और मस्तिष्क रेखा और मंगल रेखाओं ने काफी चिंता में डाल दिया है। थोड़ा बहुत एक अच्छा सपोर्ट मुझे यहाँ पैतृक तौर पर दिखता है कि आपको कोई इस पैतृक रूप से मकान संपत्ति मिली हुई है जो आपको किसी ना किसी तौर पे सपोर्ट करेगी। एक ये रेखा देखिए, ये रेखा यहाँ पे यहाँ से निकल के यहाँ पहुंची, आयु और भाग्य रेखा पर, ये केतु क्षेत्र कहलाता है। कहीं ना कहीं व्यक्ति का जीवन आध्यात्म की तरफ समर्पित होने लगता है, व्यक्ति का मन चाहता है कि छोड़ो सब काम और निकल जाओ घर से कहीं दूर। तो ये एक प्रॉब्लम का भी विषय है, उसके लिए मैं आपको सबसे पहला उपाय बताना चाहूँगा कि आप अपनी सीधे हाथ की इस वाली उंगली में एक पन्ना रत्न हमसे मंगवा कर पहनिए, चांदी में बना के देंगे आपको। सही मुहूर्त में आपको बताएंगे किस दिन पहनना है, वो आपको बुद्धि और व्यवसाय दोनों तौर पे अच्छा काम करेगा। अपने निर्णय ठीक कीजिए, जल्दबाजी से बचिए। साथ ही साथ रोजाना सुबह और शाम रुद्राष्टकम का पाठ करो। भगवान शिव का ये पाठ आपको जीवन में तरक्की, उन्नति, सुख शांति लाएगा। और रोजाना कोशिश करो भगवान शिवलिंग पर जाकर जल चढ़ाओ। इतना काम करो आप, आपके लिए जीवन में कुछ ना कुछ बेहतर रहेगा। आशा करता हूँ आपके द्वारा पूछे गए सभी सवालों के मैं जवाब दे पाया हूँ। नमस्कार।